सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं नरीमन हाउस, जहां से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जैसा कि आपने खुद कहा था, एक साल पहले शायद ही कोई जानता था, मुट्ठी भर लोग जानते होंगे कि नरीमन हाउस मुंबई में है कहां, लेकिन अब सब जान गए हैं। और अब जब एक साल बाद दरवाजे खुले हैं नरीमन हाउस के, तो किस तरह से छलनी हुआ था वो दिखा। और अब तो एक साल पहले की वो यादें और साथ ही नन्हे मोशे की जो तस्वीरें याद आती हैं, कैसे याद कर रहे हैं यहां पर तमाम लोग जो जुटे हैं आज। श्वेता, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे यहाँ प्रार्थना सभा की पूरी तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कुर्सियां लगी हुई है, यहाँ एक मंडप सजा हुआ है, यहाँ पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। लेकिन अगर हम एक साल पहले जाएं तो यहाँ एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कोई एक तरह का ऐसा अजीब सन्नाटा था, एक खौफनाक रात थी। यहाँ से गोलियां और ग्रेनेड की आवाज ही सुनाई दे रही थी। लेकिन आज शाम को यहाँ प्रार्थना सभा शुरू होगी, यहाँ ऊपर वाले का नाम लिया जाएगा। यहाँ अपने ही सभी धर्म के लोग यहाँ आके अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे। यहाँ कई जितने भी अधिक जो गेस्ट बुलाए गए हैं वो सब विदेशी नागरिक यहाँ आए हुए हैं, जो अधिकतर इसराइल समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ यूएस समुदाय से भी काफी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, दोपहर में यूएस कॉन्सुलेट जनरल यहाँ आए थे। इसके अलावा इसराइल के यहाँ एम्बेसडर आने की संभावना जताई जा रही है। तो साफ तौर पर यहाँ अभी एक सबसे पहला जो इवेंट होने वाला है वो कैंडल लाइट इवेंट होगा। तकरीबन 25 से 30 कैंडल नरीमन हाउस के ठीक नीचे की जो जहाँ से जो गाड़ी प्रवेश करती है, जो नीचे का एरिया है, वहाँ कैंडल सब लगा दिए गए हैं। जैसे ही इवेंट शुरू होगा इन कैंडल्स को जला दिया जाएगा, शहीदों को श्रद्धांजलि दे दी जाएगी और उसके बाद अब यहूदी समुदाय अपना प्रार्थना शुरू कर देंगे। उसके बाद यहाँ मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा। आशा ये करते हैं कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, शशि थरूर, ये सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ आएंगे और अपनी श्रद्धांजलि देंगे।